आज बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे मुंह में पानी आ रहा है ये वीडियो देख के, बट दिस इज एन एपिक वीडियो। हाय, आज आई एम गोइंग टू ईट ओनली एंड ओनली पिज्जा फॉर 24 आवर्स। एंड मेरा चेहरा देख के आपको दिख रहा होगा कि आई एम स्टार्टिंग द डे फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने ये वाला पिज्जा मंगवाया है। आई थिंक मैंने फॉरेन के यूट्यूबर्स में काफी देखा है कि वो लोग दो फ्लेवर खाते हैं एक साथ। यहाँ पे आई एम हैविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एकदम देख के नहीं समझ रहा होगा, दिस साइड इज मशरूम, साइड इज वेजी ओवरलोड। आई एम पुटिंग द रिसीट ऑफ माई ऑर्डर हियर। एवरेज प्राइस ऑफ पिज्जा इज 500 रुपीज इन मुंबई। ऑलमोस्ट ऑल द पिज्जाज वर लाइक दिस ओनली। First, I'll have the mushroom side. I'm gonna try the second side. I hope this tastes different, yaar. Varna to maza nahi aayega. Aisa lagega ki pura same hai, sirf ek mein mushroom zyada hai, ek mein mushroom kam hai. Jalapeno ne pura taste change kar diya. Upar se bada wala crunchy jalapeno tha. Lekin ab main bina jalapeno ka bite lene wali hu. एग्जैक्ट सेम लग रहा है बिना जालापीनो। आई गिव दिस पिज्जा अ 4 out of 5, क्योंकि वैसे तो ये पिज्जा बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों साइड में इतना टेस्ट डिफरेंस नहीं है। और मैं जब ऐसे स्पेशल पिज्जा मिलता है ना, उनका रेट भी वैसा ही रहता है, 2-3 हज़ार के एवरेज रेट रहता है। ये तो 500 रुपये में मिला था, बट आई वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि दोनों फ्लेवर में मुझे थोड़ा डिफरेंस मिले। ओवरऑल अगर वो ना देखे तो द पिज्जा इज वेरी वेरी गुड। आई एम गोइंग टू शेयर इट विद माय फैमिली नाउ। मैं सारे सारे पूरे खुद खत्म नहीं करने वाली हूँ, बट द ओनली रूल इज आई कैन ईट ओनली पिज्जाज द होल डे। नाउ आई सी यू अराउंड लंच टाइम। हाय, लंच में मैंने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। अगर मेरा पेट कल खराब हुआ, आई थिंक इट शुड बी बिकॉज ऑफ द लंच, क्योंकि सारे पिज्जा एकदम अजीब है। फर्स्ट पिज्जा दैट आई ऑर्डर फॉर लंच, पास्ता पिज्जा। डोमिनोज वाला मैंने खाया है। आई नो वेर माई एक्सपेक्टेशन आर सेट। ऑप्शन नहीं था चूज करने का कि रेड सॉस चाहिए व्हाइट सॉस, सिर्फ पास्ता पिज्जा लगा था। द पास्ता एक्चुअली लुक्स एकदम अच्छा। You know what it tastes like? It tastes exactly as if आप garlic bread के ऊपर pasta डाल के खा रहे हो। I like this. Does this taste like pizza? No. Does it taste like pasta? Yes. मेरे को इसके ऊपर जो pasta है ना, उसका taste बहुत अच्छा लगा, which is why I like this dish. But if you judge it from a pizza point of view, personally I don't think इसका taste एक pizza जैसा है। I would give this dish 4 out of 5 for the same reason. थोड़ा और तरीका अगर ढूंढ पाते to make it taste more like a pizza, तो एक full fire and fire dish है। But if I ignore that it doesn't taste like a पिज्जा, देन आई वुड गिव इट अ 5 out of 5, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। जितना क्वांटिटी दिया है फॉर अमाउंट ऑफ चार्ज डस, इट्स गुड। आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर द सेकंड पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज पिज्जा। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस बिफोर। मैंने जब मेन्यू में देखा, आई वाज लाइक है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था काइंड ऑफ वही है कि पिज्जा ब्रेड के ऊपर सॉस डाल के फ्रेंच फ्राइज एंड चीज। आई जस्ट वांट टू टेस्ट, बिकॉज ब्रेड के साथ फ्रेंच फ्राइज तो अपन नहीं खाते ना, पास्ता के साथ खाते। पनीर पार्ट है, आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक इट, बट आई कांट स्टॉप ईटिंग इट। मे बी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका टेस्ट कैसा है। मैं खाए जा रही हूँ। ये जो फ्राई है ना, इट इज जस्ट लाइक जैसे अपन घर पे बनाते हैं। इट इज नॉट बाहर वाले फ्राइज आर टेक्सचर। अगर अपन मैगी का या कोई दूसरा फ्राइज खाते हैं, वो क्रिस्पी रहता है। दिस इज वेरी वेरी सॉफ्ट, एक्सट्रीमली सॉफ्ट। पिज्जा के ऊपर वियर्डली अच्छा लग रहा है। अगेन इट डज नॉट रियली टेस्ट लाइक अ पिज्जा। आई वांट टू गिव दिस 3.5 out of 5, क्योंकि इसका टेस्ट बुरा नहीं है, बस मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इट्स गुड, वैरायटी ट्राई करने में मजा आ रहा है। द लास्ट पिज्जा फॉर दिस मील, इट स्ट्रेट अप लुक्स स्केरी। दिस इज सपोज टू बी अ डेजर्ट, बट इट हैज चिली फ्लेक्स on it. चॉकलेट पिज्जा ऑर्डर किया था मैंने, उस पे चिली फ्लेक्स क्यों है? चलो चीज आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि चॉकलेट चीज सैंडविच मैंने देखा है बाहर मिलते हुए। रिगार्डलेस लेट्स ट्राई। इस पे टोमेटो सॉस भी है। मुझे तो ये खाने में डर लग रहा है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें एक साथ है, मेरे पेट में कुछ होना जाए। दिस इज मोर स्पाइसी देन स्वीट, बट इट डेफिनेटली हैज चॉकलेट सॉस, व्हिच इज व्हाई आई कैन टेस्ट द स्वीटनेस। लेकिन इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है, लाइक चिली फ्लेक्स है, ओरेगानो है, और जहां तक मेरे को टेस्ट आ रहा है और दिख रहा है, पिज्जा सॉस भी है। वो सारी चीजें ज्यादा क्वांटिटी में है, अगर बाकी सब इतना तो चॉकलेट सॉस इतना है। लास्ट बाइट आउट दो पिज्जा मंगाती हूँ अलग वाले। लेट्स सी व्हाट आई कैन फाइंड। हाय, इट्स स्नैक्स टाइम। थोड़ा थोड़ा ठंड होना शुरू हो गया है, एंड सनसेट होने के पहले मेरे को स्नैक्स खत्म करना है, बिकॉज आजकल दिन काफी जल्दी खत्म हो रहा है। वेयरिंग मेरा मार्क जेकब्स वाला कोट, मैं सरोजनी से 250 रुपए का ले आई थी। स्नैक्स के लिए आई फाउंड अ पेरी पेरी पिज्जा, वो भी इन अ डीप डिश
फॉर्मेट. यूजुअली इसको शिकागो स्टाइल पिज्जा बोलते हैं डीप डिश वाला, बट डोंट कोट मी ऑन इट, आई कैन बी रॉन्ग. इसका चीज अभी भी एकदम वॉर्म और मेल्टी है, सो आई वॉन्ट टू टेक अ स्लाइस एंड टेस्ट. This is the best pizza I've had आज के पूरे दिन में. क्रस्ट का एक बाइट नहीं लेते. Quite soft. I'll tell you why I liked it. पाव भाजी के साथ ना, they give a garlic chutney and I think they put that garlic chutney in the pizza base because the onions taste exactly like जब भी अपन पाव भाजी के ऊपर अनियन डाल के खाते हैं ना, सेम वैसा टेस्ट है. It's extremely garlicky. तो that's why this has been my favorite pizza अभी तक. First pizza to get a 5 out of 5. If you get packed with flavor, it is a unique pizza. खतरनाक. I think I found a new favorite pizza. The second pizza I ordered for snacks, थोड़ा डराना है. This is called a devil's pizza. नाम देखकर I'm guessing it is supposed to be extremely spicy. And अपने devil fire momos के साथ क्या हुआ था वो तो आपको याद ही होगा. Look के बिल्कुल spicy नहीं होंगे and they were extremely spicy. तो मुझे similar हो रहा है looks में. I don't think this is going to be that spicy, but खा के पता चलेगा. अभी तक तो नहीं लगा. थोड़ा हुआ है spicy. I'm ready to give my verdict. Is this the spiciest pizza I've ever eaten? Yes. जैसे मैंने खाना बंद किया है spice बढ़ते जा रहा है. I give this pizza a 5 out of 5 again for the amazing experience. अगर आपको तीखा खाना पसंद है ना, I think you will enjoy eating this pizza. I would highly recommend. ये break लेके खाओ तो spice level बढ़ रहा है. If you enjoy spicy food, काफी अच्छा था यार. अभी तक मेरे हो जा रहा है. दिस प्लेस, दिस इज वेयर आई ऑर्डर फ्रॉम. आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है. दो पिज्जा ऑर्डर किए, दोनों मुझे इतने पसंद आए कि आई कुड गिव इट अ 5 out of 5 फ्रॉम माई साइड. यू विजिट मुंबई, यू कैन प्रॉबली गिव दिस प्लेस अ शॉट. एंड अगर मैं फ्यूचर में कुछ मंगाती हूँ उनसे तो आई विल अपडेट यू. बट डिनर के लिए आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ प्लेस विच विल अलाउ मी टू मेक माई ओन पिज्जा, बट आई कैन चूज द सॉस, द टॉपिंग्स, द काइंड ऑफ चीज. तो देखते हैं दैट वर्क्स आउट और नॉट. देखते हैं एक और डिजर्ट अगर मैनेज कर सकते हैं तो. ऑल्सो आई थिंक यू माइट बी थिंकिंग के Haley, how are you eating cheese since you've been vegan? मैं 1.5 साल तक vegan थी. 2-3 years ago, I had decided to turn completely vegan. But after the 1-1.5 year period, I decided कि मैं completely strictly vegan lifestyle follow नहीं कर पा रही हूँ. These kind of things is where I usually am not vegan. मैं usually दही खाती हूँ 2x a week. And if I'm outside with friends and family, तो ऐसा कुछ खाती हूँ तब मेरा veganism टूटता है. And thirdly, मेरा desserts में टूटता है. So these are 3 places where I'm not 100% vegan. But I do drink soya milk and out of 10 times above cow milk. Now I'll see you during dinner time. Remember how I told you okay, I will keep the dinner light. Sirf ek pizza mangaungi. I'll show you how many boxes we have for dinner. You're not ready for it. Four pizzas. The first pizza, our grand custom weirdest pizza that can possibly made apne idhar. Cheese bhi, it's the 1441 special cheese or something like that. Jagah ka naam hai 1441 pizzeria. Mama's special sauce or something like that. Sare pizzas ki thodi baat lag chuki hai because I ordered them काफी एडवांस में थिंकिंग टाइम पे वीडियो खत्म करना है, बट मुझे भूख ही नहीं लगी. आई गॉट कैरामलाइज्ड अनियंस ऑन द टॉपिंग, बेसिल लीव, सनड्राइड टोमेटो, एलोपिनियो, पेपरिका, जुकीनी, पाइनएप्पल, ऑलिव्स एंड इट्स फुल थिन क्रस्ट. गुड. वो पाइनएप्पल वाला खाना, आई लव पाइनएप्पल. बाहर का खाना जब शुरू किया ना हमने, फर्स्ट थिंग आई हैड वाज पाइनएप्पल जूस आई थिंक आफ्टर द मोमो. काफी फ्रीक्वेंटली आई बीन हैविंग इट. जिसके लिए मम्मी ने आज मेरे को डांट लगाई है कि ब्रो बस हो गया, अभी मी टेक अ बाइट फ्रॉम बिहाइंड. इट्स गुड यार. आप मुझे बहुत जज करने वाले बिकॉज मेजोरिटी लोगों को पाइनएप्पल नहीं पसंद आता. My favorite pizza from the whole day is not this, but pizza to get a 5 out of 5. आप custom pizza कहीं भी बनवा सकते हो. कैसे, I'll tell you. Margarita pizza order करने का and ऊपर जो toppings आपको पसंद है वो करने का. But why I like this one is इसमें toppings का option is काफी different. Normally when you go to place like Domino's Pizza Hut, उनके toppings is more like baby corn, capsicum, onion, tomato. यहाँ पे you had like zucchini, sun-dried tomato. मुझे ये सब bougie चीजों का बड़ा शौक है. And I'm like अगर मैं 500 खर्च कर ही रही हूँ तो I want premium service. Now the फर्स्ट रैंक इज टेकन बाय दिस. देखते हैं बाकी कुछ को बीट कर पाता कि नहीं. सेकंड पिज्जा वी हैव फॉर डिनर, जो बिल्कुल प्लान नहीं था बट इट साउंड लाइक अ ग्रेट आइडिया. तो मैं नहीं रोक पाई खुद को ऑर्डर करने से. मैगी पिज्जा. इसमें ऑप्शन था कि रेड सॉस मैगी पिज्जा और व्हाइट सॉस मैगी पिज्जा. आई चूज रेड क्योंकि व्हाइट सॉस सुबह खाया था ना अपन ने. इसमें से मैगी दिख तो रही है. आई थिंक दिस विल टेस्ट गुड.
Wow. It is very tasty. And the good part is, it still tastes like a pizza. Maybe because Maggi mein jo red sauce dala gaya, that is like pizza sauce ka taste. And for the price, I think this will be filling. A decent size for 170 and Maggi bhar bhar ke dala and cheese bhi bhar bhar ke dala. This pizza has been one of the most value for money. I will give this pizza 5 out of 5, but the first spot is still taken by the custom made weird pizza. I ordered a Jain pizza because I wanted to give a Jain option as well in case you didn't came like this because yahan pe na cheese pura stuck tha. So I am not sure ki aisa kaise hua because we had kept it straight only the whole time. Jab maine box khola tab aisa ho gaya. Ye wala piece I'll eat and show so that there's least amount of difference. Piece is almost okay. Chocolate is very tasty, but the sauce मुझे बहुत अच्छा लगा. I have a question. From what I know, onion and garlic and potato नहीं चलता है. बाकी vegetables चलते हैं ना, जैसे tomato and capsicum. तो वो तो डाल सकते हैं. आप मेरे को बताना कि is normal Jain pizza like this? It is my first time eating a Jain pizza, but I found it very very tasty. इसको भी I will give a 5 out of 5 because I enjoyed eating it a lot. Dinner तो बहुत तगड़ा हुआ. All the pizzas got a 5 out of 5. What a way to end the day. Thankfully, I was recording when I was opening the box and. You can see how it opened. So this is exactly how the Jain pizza was also there, which is why the cheese is 3D on the pizza. I will take this piece, जो सबसे कम पिसा हुआ cheese के साथ है. ये वाले से मुझे थोड़े better hopes हैं क्योंकि इसमें chili flakes नहीं. It's good. I think it's my Nutella. It's a weird combo of cheese and chocolate, but it tastes good. Bread and chocolate is toh evergreen. And this, my friends, also gets a 5 out of 5. Teen alag jagah se mangaya tha dinner. Teen. What were the chances ki sab achha niklega? But this was me eating only pizza for 24 hours, which is from the moment I woke up till the moment I sleep. Thanks to the amount of interest you show to the Momo video, us wajah se mujhe motivation mila ki chalo aur alag alag dishes try karte hai. Let me know in the comment section ki agla main jo kaun sa food uthana Should we do pasta? क्योंकि पास्ता में भी बड़ी सारी वैरायटी आती है और should we do burgers or French fries is a good one. You have to tell me because the most popular food item is what we will do. अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो give it a thumbs up. अगर मजा नहीं आया तो give it a thumbs down. And I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.